हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन महोरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज यूट्यूब चैनल. दिस साइड पूजा शर्मा. इन दिस क्लास वी विल टॉक अबाउट अ पोएम विच इज़ रिटन बाय विलियम कूपर एंड द पोएम नेम इज़ लाइट शाइनिंग आउट ऑफ डार्कनेस. दिस इज़ अ रिलीजियस पोएम विच इज़ रिटन बाय विलियम कूपर. एंड कल हमने ये पोएम पढ़ ली थी. फर्स्ट पार्ट्स का ऑलरेडी मैंने बना दिया है वीडियो का. उसमें हमने थोड़ा सा जान लिया था कि क्या है पोएम में, और इवन उसके तीन स्टेंजास भी हमने पढ़ लिए हैं टेक्स्ट के. नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो मैं थोड़ा सा इसका थीम बता देती हूँ कि विलियम कूपर ने जो पोएम लिखी है लाइट शाइनिंग आउट ऑफ डार्कनेस, वो एक रिलीजियस हाइमन है. हाइमन इन द सेंस भजन बोल सकते हैं आप जिसे, कि एक रिलीजियस सॉन्ग है. इसमें ये बता रहे हैं वेज ऑफ गॉड टू मैन, है ना. इनका जो अगर हम एक लाइन में बात करते हैं थीम की, तो वेज ऑफ गॉड टू मैन मतलब गॉड का क्या वेज है मैन के लिए. उसका मिस्टीरियस वे है, वो अपने काम मिस्टीरियस अकॉर्डिंग करता है. हमें गॉड के बारे में कुछ पता नहीं होता है कि वो कब क्या करेगा, तो हमें उन पे ब्लाइंड फेथ करना चाहिए. अगर हम नहीं करते हैं तो ये गलत है. कहने का मतलब ये है कि हमें भगवान पे पूर्ण रूप से विश्वास होना चाहिए, क्योंकि अगर भगवान जो है उसके तरीके को हम नहीं जान सकते, पर जो वो हमारे लिए करता है अच्छा करता है. हो सकता है कई बार वो कुछ करे और हमें उससे दुख मिले, जैसे बहुत सारे लोग पॉवर्टी में या उनके साथ कुछ गलत होता है तो वो गॉड को ब्लेम करते हैं कि हमारा काम भगवान ने बिगाड़ दिया, भगवान तो हमारे साथ है ही नहीं. बट ऐसा नहीं है. हो सकता है कि आपको वो दुख बहुत बड़ा हो और भगवान ने उसको छोटा बना दिया हो, और उस चीज़ के पीछे कुछ बहुत बड़ा हिडन मीनिंग छुपा हुआ हो. इन द सेंस कि हो सकता है उस दुख को अगर आप पार करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी. तो जो गॉड का वे है कुछ करने का, वो मिस्टीरियस है. इस पोएम में यही बताया हुआ है, और हमें ये उन्होंने मॉरल बताया. मॉरल ऑफ द पोएम ये है कि हमें गॉड पे ब्लाइंड फेथ करना चाहिए, उनके जो काम है उन पे कभी भी शक नहीं करना चाहिए. हमें गॉड पे बिल्कुल भी, गॉड के लिए हमारे माइंड में डाउट नहीं आना चाहिए. सो हम टेक्स्ट पढ़ते हैं. देखो स्टार्टिंग जो पूरी एक बार पोएम का मैं टेक्स्ट पढ़ा देती हूँ आप लोग को. गॉड मूव्स इन अ मिस्टीरियस वे. गॉड जो है वो अपने मिस्टीरियस वे में मूव करते हैं. हिज वंडर्स टू परफॉर्म, ही प्लांट्स हिज फुट स्टेप इन द सी. उसके जो परफॉर्म करने का तरीका है वो बहुत वंडर है, है ना. वो क्या परफॉर्म करता है जो हम नहीं कर सकते हैं, जो मैन के लिए जो काम करना इम्पॉसिबल है वो गॉड करता है. गॉड मूव्स इन अ मिस्टीरियस वे. हिज वंडर्स टू परफॉर्म, ही प्लांट्स हिज फुट स्टेप इन अ सी. और वो अपने प्लांट्स, हम उसको देख सकते हैं एक भयानक, जो एक तेज बहने वाला जो समुद्र है उसके बीच में भी, सी के बीच में भी हम उसके फुटस्टेप देख सकते हैं. कहने का मतलब जो इंसान नहीं कर सकता है, जो इंसान के लिए इम्पॉसिबल है, वो गॉड के लिए बहुत इजी काम है. गॉड मूव्स इन मिस्टीरियस वे. हिज वंडर्स टू परफॉर्म, ही प्लांट्स हिज फुटस्टेप इन द सी एंड राइड अपॉन द स्टॉर्म. और तो और जो गॉड है वो राइड भी कर सकता है स्टॉर्म में, बहुत तेज़ तूफान में भी वो राइड कर सकता है, जो कि एक इंसान नहीं कर सकता. देन एंड डीप इन अनफेंथेबल माइंड्स ऑफ नेवर फेलिंग स्किल. इवन हम उसको अनफेंथेबल माइंड्स में, मतलब एकदम डीप जो खान है माइंड्स में, हम उनको काम करते हुए देख सकते हैं गॉड को, ठीक है. ऑफ नेवर फेलिंग स्किल, और उसकी स्किल ऐसी है जो कभी फेल नहीं होने वाली है. मीन्स गॉड कैन डू एवरीथिंग which is not possible for us, for human being. He treasures up his bright design and work his sovereign will. उसकी जो designs है वो bright है. Bright in the sense वो जो करता है वो सर्वशक्तिमान है, वो कुछ भी कर सकता है, ठीक है. Then ये fearful saints fresh courage take the clouds ye so much dread. फिर वो हमें ऑडियंस को, या जो सेंट्स हैं, जो संत बन गए हैं लोग, उनको बोल रहा है कि अगर तुम्हें गॉड पे बिलीव करना है तो तुम पूरी तरह बिलीव करो, ठीक है. ये फियरफुल सेंट्स फ्रेश करेज टेक, है ना. तुम जो डरे हुए हो, सेंट्स को बोल रहा है कि तुम जो फियरफुल हो, तुम डरे हुए हो, तुम इन द सेंस कि तुम डाउट भी करते हो गॉड पे. अगर तुम्हारे साथ कुछ बुरा होता है तो तुम डायरेक्ट ब्लेम करते हो गॉड पे, पर ऐसा नहीं करना है. तो बोल रहे हैं ये फियरफुल सेंट्स फ्रेश करेज टेक. जो फियरफुल सेंट्स हैं उनको बोल रहा है कि तुम फ्रेश करेज रखो, है ना, खुद पे. और देन क्या बात कर रहे हैं, द क्लाउड्स ये सो मच ड्रेड. हो सकता है कि ये जो बादल हैं दुख के, ये बहुत ज़्यादा ड्रेड, बहुत ज़्यादा दुख से भरे हुए हों, ठीक है. आर बिग विद मर्सी एंड शेल ब्रेक. बट ये एक मर्सी के साथ आते हैं. इनमें कुछ ना कुछ पीछे हिडन मीनिंग छुपा हुआ होता है, कुछ दया छुपी हुई हो सकती है. कहने का मतलब ये है
जो विलियम कूपर है वो हमें रीडर को और जो भी सेंट्स हैं या फिर जो भी भगवान को मानने वाले लोग हैं उनको बोल रहा है कि तुम मानते तो हो भगवान को पर तुम फियरफुल हो, कहीं ना कहीं तुम गॉड को लेकर डाउट में हो, डाउटफुल हो कि नहीं पता नहीं हमारा ये जो काम है कैसे होगा क्या होगा। बट तुम्हें डाउट में रहने की ज़रूरत नहीं है, तुम उस चीज़ के लिए करेज लाओ, तुम ये फील करो कि गॉड जो है वो सब कुछ कर सकता है और वो करता भी है। हो सकता है कि ये जो दुखों का पहाड़ है तुम्हारे ऊपर वो आया हो बट उसके पीछे कुछ हिडन मीनिंग छुपा हुआ होगा, उसके पीछे कुछ मर्सी होगी गॉड की, कुछ दया होगी। द क्लाउड सी ए सो मच ड्रेड आर बिग विद मर्सी एंड शेल ब्रिंग इन ब्लेसिंग ऑन योर हेड। और वो जो दुखों का जो बादल है वो तुम्हारे ऊपर छूटेगा पर कैसे, एक मर्सीफुल वे में, एक अच्छे वे में, ठीक है। देन क्या बात कर रहे हैं, जज नॉट द लॉर्ड बाय फीबल सेंस। हमारी इतनी औकात नहीं है कि हम गॉड को जज कर सके। तो विलियम कूपर अपनी पोएम के थ्रू बहुत ब्यूटीफुली बोल रहा है कि जज नॉट द लॉर्ड, तुम भगवान को जज मत करो बाय फीबल सेंस, तुम्हारे कमज़ोर सेंस से। कहने का मतलब कि गॉड पे डाउट मत करो, वो जो कर रहा है वो उसका मिस्टीरियस वे है और वो हम नहीं जान सकते, और हम जान गए तो हमारे लिए तो वो और ज़्यादा बुरा होगा। अगर हमें पता ही चल जाए कि हमारे साथ फ्यूचर में क्या होने वाला है तो लाइफ क्या अच्छी रहेगी, बिल्कुल भी नहीं रहेगी। किसी को भी फ्यूचर पता नहीं है तो आप रिलैक्स बैठो, जो गॉड कर रहा है वो अच्छा कर रहा है, वो जो सही कर रहा है उसके हाथ में सब कुछ है, वो सब कुछ जानता है कि तुम्हें कब कितना क्या देना है, वो सब कुछ कर सकता है। इसलिए हमें गॉड को जज करने का कोई हक नहीं है। जज नॉट द लॉर्ड बाय फीबल सेंस, तुम गॉड को या लॉर्ड को जज मत करो अपने फीबल सेंस से, अपने कमज़ोर सेंस से। बट ट्रस्ट हिम फॉर हिज ग्रेस, बर तुम पर शक के अलावा तुम क्या करो, ट्रस्ट करो उस पर, बिल्कुल उसको जज मत करो लॉर्ड को या गॉड को अपने कमज़ोर सेंस से। बट ट्रस्ट हिम, पर तुम उसे ट्रस्ट करो फॉर हिज ग्रेस, उसकी दया के लिए। बिहाइंड द फ्रॉलिंग प्रोविडेंस ही हाइड्स ए स्माइलिंग फेस। बिहाइंड, पीछे अ फ्रॉलिंग प्रोविडेंस, हो सकता है उसके जो गुस्सा है उसके पीछे तुम्हारे लिए कुछ अच्छा छुपा हुआ हो। ही हाइड्स ए स्माइलिंग फेस, हो सकता है उसने तुम्हारे गुस्से के पीछे एक स्माइलिंग फेस छुपाया हुआ हो। कहने का मतलब क्या है कि तुम्हारी इतनी औकात नहीं है, मैं अगर एक अच्छे लैंग्वेज में बात नहीं करके बोलूँ तो तुम्हारी इतनी औकात नहीं है, विलियम कूपर हमें बोल रहे हैं, किसी भी इंसान की, कि वो गॉड को जज कर सके। ठीक है, गॉड को जज कोई नहीं कर सकता है, उसका वे अपना मिस्टीरियस है, वो हमारे लिए सब कुछ सोच के और सेट करके रखता है, उसको पता है किसको क्या देना है, कितना देना है। हो सकता है कि बहुत बार हम गुस्से में बोल दें, ब्लेम कर दें गॉड को कि नहीं वो उसने हमारे साथ सही नहीं किया, अच्छा नहीं किया, बट ऐसा नहीं है, उसके पीछे में भी उसने कोई हमारा स्माइलिंग फेस छुपाया हुआ हो, तो हमें बिल्कुल भी गॉड को जज नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट एंजा में क्या बात कर रहा है, His purpose will ripen fast, unfolding every hour. उसका जो purpose है, God का जो purpose है, will ripen fast, वो जल्दी पकेगा। तुम वेट करो, ये जो दुखों का पहाड़ है ये जल्दी ही छूट जाएगा और इससे आगे हम आ जाएंगे और हमें जो चीज़ गॉड को एक्चुअली देनी थी वो हमें मिल जाएगी। His purpose will ripen fast, unfolding every hour. हर एक घंटे में उसका जो purpose है हमारे लिए वो बदलता है। हर एक घंटे में हम लोग जैसे हैं वैसे नहीं रहते। अगर हम फील करते हैं ये चीज़ तो सच में ऐसा है, जो चीज़ हमें एक घंटे पहले फील होती है वो एक घंटे बाद फील नहीं होती है, हर टाइम निकल जाता है। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि किसी एक टाइम के साथ हम स्टक होकर बैठ गए, चिपक के बैठ गए, ऐसा नहीं है, टाइम निकलता जाता है। ठीक है, तो ये यही कह रहे हैं, ही हाइड्स अ स्माइलिंग फेस, हिज पर्पस विल राइपन फास्ट, अनफोल्डिंग एवरी आवर। उसका जो पर्पस है वो हर एक घंटे में बदलता है। फिर एक बहुत अच्छा सा उन्होंने एग्जाम्पल दिया है, क्या, द बर्ड मे हैव अ बीटर टेस्ट, बीटर टेस्ट। देखो, कोई जो बर्ड होती है, जो कली होती है, उसका जो टेस्ट होता है वो कितना बीटर होता है। कोई भी अगर हम कोई जैसे फ्रूट का अगर हम कोई प्लांट लगाते हैं उस पर पहले क्या निकलेगी, फूल निकलेगा, तो फूल तो इतना टेस्टी नहीं होगा जितना कि फ्रूट होता है। तो वो यही कहने चाह रहे हैं कि जो कली है उसका जो टेस्ट हो सकता है बीटर हो, पर वो जब पूरी पक जाती है उसके बाद अगर फ्रूट बन जाता है तो उसका टेस्ट कितना अच्छा होता है, हमें कितना अच्छा लगता है। तो सेम गॉड जो है वो हमारे साथ ऐसा ही कर रहे हैं, हमें पहले दुख देंगे बहुत सारे, बट उसके बाद मे बी नहीं श्योर है ऐसा कि वो क्या करते हैं,
हमारे लिए कुछ उनके पास में अच्छा छुपा हुआ होता है। तो द बड मे हैव अ बीटर टेस्ट, हो सकता है कि जो कली है उसका जो टेस्ट जो है वो बीटर हो, बट स्वीट विल बी द फ्लावर, पर अगर वो फूल बन जाता है तो वो स्वीट लगता है, वो दिखने में भी अच्छा लगता है, अट्रैक्ट करता है, या फ्रूट बन जाता है तो अगर हम उसे खाते हैं तो वो स्वीट बनता है, अच्छा बनता है। तो यही है, द बड मे हैव अ बीटर टेस्ट बट स्वीट विल बी द फ्लावर, ब्लाइंड अनबिलीफ इज श्योर टू इर। ब्लाइंड अनबिलीफ, जो ये हम कैसा ब्लाइंड मतलब अंधा, अनबिलीफ अविश्वास जो करते हैं उन पे, वो गलत है। श्योर टू इर, इर मतलब गलत है, हम ये मिस्टेक कर रहे हैं उन पे। ब्लाइंड फेथ तो हम कर नहीं रहे जो कि करना चाहिए, हम उन पे ब्लाइंड अनबिलीफ कर रहे हैं जो कि नहीं करना चाहिए, जो कि मिस्टेक है, और वो हम मिस्टेक रिपीट कर रहे हैं, हम उस मिस्टेक को करे जा रहे हैं जो कि हमें नहीं करना है। तो यही बोल रहे हैं, द बड मे हैव अ बीटर टेस्ट बट स्वीट विल बी द फ्लावर, ब्लाइंड अनबिलीफ इज श्योर टू इर। अगर हम जो ब्लाइंड अनबिलीव कर रहे हैं वो शॉर्ट टू इर, वो बिल्कुल मिस्टेक है जो हमें नहीं करनी है, बट हम सब कर रहे हैं। एंड स्कैन हिज वर्क इन वेन, और हम क्या करना चाह रहे हैं, गॉड के वर्क को स्कैन करना चाह रहे हैं, जो कि बहुत बड़ी मिस्टेक है। हम स्कैन नहीं कर सकते हैं गॉड के वर्क को, उनके वर्क को कोई स्कैन नहीं कर सकता है, वो अपने आप में खुद अपने इंटरप्रिटर हैं, उनको खुद को अपने अकॉर्डिंग सब चीज़ें पता है, उनका वे बिल्कुल मिस्टीरियस है। तो यही बोल रहे हैं, एंड स्कैन हिज वर्क इन वेन, हम उनके वर्क को स्कैन करना चाहते हैं। देन बात कर रहे हैं, गॉड इज हिज ओन इंटरप्रिटर, गॉड खुद अपना इंटरप्रिटर है, उनको सब पता है, वो सब जानते हैं, हमारा फ्यूचर उनको पता है, हमारा पास्ट उनको पता है, प्रेजेंट उनको पता है, तो हमें उस चीज़ पे सोचने की ज़रूरत नहीं है। एंड ही विल मेक इट प्लेन, गॉड इज हिज ऑन इंटरप्रिटर एंड ही विल मेक इट प्लेन, वो अपने अकॉर्डिंग उसको चलाएंगे, अपने अकॉर्डिंग अपना काम करेंगे, तो हमें गॉड पे बिल्कुल विश्वास होना चाहिए। तो ये हमारी पोएम थी, इसका टेक्स्ट कंप्लीट हो गया, ये पोएम कंप्लीट हो गई, बहुत ब्यूटीफुल पोएम है। इस पोएम में विलियम कूपर ने बहुत ब्यूटीफुली हमें ये बताया कि जो भगवान हैं उन पे हमें पूर्ण रूप से विश्वास होना चाहिए, अगर हम उन पे विश्वास नहीं कर रहे हैं तो ये हमारे लाइफ की सबसे बड़ी मिस्टेक है। और जैसे एक कली है, वो हो सकता है कि दिखने, अगर हम उसको टेस्ट करें तो वो हमें कड़वी लगे, बट अगर वो फ्लावर बन जाती है या फ्रूट बन जाती है तो वो हमें कितना अट्रैक्ट करती है, बहुत अच्छा एग्जांपल दिया उन्होंने, और ये फैक्ट भी है। तो अगर इंसान ये मान रहा है कि मेरे साथ सब कुछ दुख ही हो रहा है, बुरी घटनाएँ हो रही है, तो गॉड ऐसा ही चाहता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, उसके पीछे कोई बहुत बड़ा हिडन मीनिंग छुपा हुआ है, आपका कोई स्माइलिंग फेस छुपा हुआ है। तो गॉड पे आप बिलीव करें, उनको अच्छे से आप समझें, बिल्कुल उन पे डाउट ना करें, क्योंकि ये अगर करते हैं तो ये हमारे लाइफ की मिस्टेक है। तो ये हमारी पोएम थी, आई होप आपको समझ आई होगी, और नहीं समझ आई है तो आप समझने का ट्राई करें, क्योंकि सच में गॉड जो है वो बहुत पावरफुल है, ही ऑल माइटी है, वो उनको सब कुछ पता है, ही कैन डू एवरीथिंग विच इज़ नॉट पॉसिबल फॉर ह्यूमन बींग, वी आर जस्ट यू नो अ पार्ट ऑफ यू नो गार्बेज इन फ्रंट ऑफ गॉड, सो गॉड को माने, दैट्स इट, थैंक यू सो मच।